अरबपति बिजनेसमैन और टेस्ला के मालिक एलन मस्क भारत का दौरा रद्द कर चीन पहुंच गए। एलन मस्क के चीन दौरे ने सबको चौंका दिया, क्योंकि वो 22 अप्रैल को भारत आने वाले थे, लेकिन यहां न आकर वो 28 अप्रैल को बीजिंग पहुंच गए। वहां उनकी मुलाकात चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग से हुई। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर एलन मस्क चीन क्यों गए और भारत न आने के पीछे क्या वजह थी। साथ ही ये भी जानेंगे कि उनकी आगे की प्लानिंग क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप आज तक AI के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अपनी बीजिंग यात्रा के दौरान एलन मस्क ने चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग एवं अन्य अधिकारियों से मुलाकात की और चीन में टेस्ला वाहनों को कुछ संवेदनशील स्थानों पर ले जाने पर लगे प्रतिबंधों को हटाने पर चर्चा की। एलन मस्क ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इस मुलाकात को लेकर खुशी जाहिर की। दरअसल 2018 में टेस्ला ने शंघाई में एक प्लांट के लिए चीन के साथ समझौता किया था। अमेरिका के बाहर ये टेस्ला का पहला प्लांट था। टेस्ला ने 4 साल पहले अपने ऑटो पायलट सॉफ्टवेयर का सबसे ऑटोनोमस वर्जन FSD यानी फुल सेल्फ ड्राइविंग लॉन्च किया था, लेकिन ग्राहकों की मांग के बावजूद वो अभी तक इस सर्विस को चीन में उपलब्ध नहीं करा सके हैं, जो विश्व स्तर पर इसका दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। लेकिन यहां सरकारी बिल्डिंग्स में टेस्ला कार चालकों को एंट्री नहीं दी जाती। इसकी वजह ये है कि अमेरिका के साथ चीन की सुरक्षा चिंताएं बढ़ रही हैं। संवेदनशील और रणनीतिक डेटा के सामने आ जाने के डर से ऐसी जगहों पर इन कारों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। निकी एशिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में बड़ी संख्या में ऑडिटोरियम और एग्जीबिशन सेंटर्स टेस्ला वाहनों को अपने यहाँ आने नहीं दे रहे हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले आम तौर पर मिलिट्री बेसिस तक टेस्ला पर प्रतिबंध सीमित था, लेकिन अब हाईवे ऑपरेटर, लोकल अथॉरिटी एजेंसी और कल्चरल सेंटर्स भी इन वाहनों पर प्रतिबंध लगाते जा रहे हैं। इन्हीं पाबंदियों को हटाने को लेकर मस्क ने चीनी अधिकारियों से बातचीत की। चाइना डेली के मुताबिक मस्क चाइना काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑटोमोबाइल कंपनी के बुलावे पर बीजिंग पहुंचे थे। चीन की प्रतिद्वंदी वाहन निर्माता कंपनियां जैसे एक्सपेंग इसी तरह के सॉफ्टवेयर को लॉन्च करके टेस्ला से आगे निकलने की कोशिश कर रही हैं। टेस्ला ने 2021 से जो भी डेटा कलेक्ट किया है उसे चीनी नियामकों के मुताबिक शंघाई में ही रखा गया है और अमेरिका में वापस स्थानांतरित नहीं किया है। मस्क अपनी ऑटोनोमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी की एल्गोरिदम ट्रेनिंग के लिए यहां इकट्ठा किए गए डेटा को बाहर ट्रांसफर करने की मंजूरी चाहते हैं। इसे लेकर एलन मस्क ने रविवार को चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग से मुलाकात की और अपनी कंपनी टेस्ला के लिए भविष्य की विस्तार योजनाओं पर चर्चा की। PM ली कियांग ने एलन मस्क से कहा कि चीन का विशाल बाजार फॉरेन फाइनेंस्ड एंटरप्राइजेस के लिए हमेशा खुला रहेगा। बात अगर भारत की करें तो टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारों का इंतजार भारतीयों को लंबे समय से है, लेकिन लगता है कि ये इंतजार और भी लंबा खींचेगा। टेस्ला प्रमुख एलन मस्क भारत दौरे पर आने वाले थे, लेकिन बाद में उन्होंने द्वारा रद्द कर दिया। दरअसल कंपनी ने कुछ दिनों पहले भारत में अपनी फैक्ट्री लगाने में दिलचस्पी दिखाई थी। कंपनी के अधिकारियों का एक दल जमीन तलाशने भारत भी आने वाला था, लेकिन फैक्ट्री लगाने की इस योजना में और भी देरी हो सकती है, क्योंकि टेस्ला ने फिलहाल अपनी मौजूदा फैक्ट्रियों से ही किफायती कारों का प्रोडक्शन करने का फैसला किया है। टेस्ला किसी नई फैक्ट्री में निवेश करने के बजाय इस साल अपने प्रोडक्शन को 50% तक बढ़ाकर 3 मिलियन तक पहुंचाना चाहता है। निवेशकों ने टेस्ला के इस फैसले का स्वागत किया है, जिससे कंपनी के तिमाही नतीजों के फाइनेंशियल टारगेट से कम रहने के बावजूद टेस्ला के शेयरों में आफ्टर आवर्स ट्रेडिंग में 12% की बढ़ोतरी देखी गई। कुछ दिनों पहले रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया था कि टेस्ला ने जर्मनी के प्लांट में राइट हैंड ड्राइव वाली कारों का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। उनमें से कुछ कारों को टेस्टिंग के दौरान स्पॉट भी किया गया था। रिपोर्ट में बताया गया था कि टेस्ला इन कारों को भारतीय बाजार में एक्सपोर्ट करेगी। अगर सब कुछ सही रहा तो इस साल के अंत तक टेस्ला की कारें इंडियन रोड पर दौड़ती नजर आएंगी। वहीं टेस्ला ने हाल ही में अपने नए प्लांट के लिए $2-3 बिलियन यानी करीब 16,700 से 25,000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया था। हाल ही में भारत सरकार ने एक नई पॉलिसी भी तैयार की थी, जिसके तहत भारत ने कम से कम $500 मिलियन का निवेश करने और लोकल मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियों को इम्पोर्ट ड्यूटी में रियायत दी थी। भारत सरकार के इस नीतिगत बदलाव के बाद कहा जा रहा था कि टेस्ला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से पहले अपनी कारों को भारत में इम्पोर्ट करेगी। बता दें कि हाल ही में टेस्ला ने वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के नतीजों का ऐलान किया था। जनवरी-मार्च तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 55% तक घटा है।
31 मार्च 2024 को समाप्त पहली तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 1.13 अरब डॉलर रहा, जो एक साल पहले की समान तिमाही में 2.5 अरब डॉलर रहा था। यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में पूरे 55% की गिरावट आई है। दूसरी ओर टेस्ला कारों की बिक्री में भी गिरावट देखी गई है। चीनी कार निर्माता कंपनी बिल्ड योर ड्रीम ने कार सेल्स के मामले में हाल ही में टेस्ला को पीछे छोड़ दिया था। जनवरी महीने में BYD ने ऐलान किया था कि कंपनी ने 2023 के अंतिम तिमाही में 5,26,000 इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री की थी। वहीं टेस्ला ने इस दौरान केवल 4,84,500 यूनिट्स ही बेचे थे। हालांकि पूरे साल की बिक्री में टेस्ला आगे रही है। दुनिया भर में इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड तेजी से बढ़ी है। अब तक ग्लोबल मार्केट में टेस्ला को सबसे बड़ी चुनौती BYD से ही मिलती रही थी, लेकिन बीते दिनों टेक जाइंट Xiaomi और Huawei ने भी बाजार में अपने नए इलेक्ट्रिक कार मॉडलों को पेश किया है। दूसरी ओर GAC, SAIC और MG जैसी चीनी इलेक्ट्रिक कार कंपनियों ने भी तेजी से बाजार में पकड़ बनाई है। विनफास्ट भारतीय बाजार को लेकर भी काफी सजग नजर आ रहा है। हाल ही में कंपनी ने तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का निर्माण शुरू किया है। बाजार में मिलती चुनौती और घटती कारों की बिक्री के चलते टेस्ला ने हाल ही में कुछ मार्केट में कारों की कीमत घटाई है। चीनी बाजार में टेस्ला मॉडल 3 की कीमत में लगभग 1,64,000 रुपए की कटौती की गई है। अब इसकी शुरुआती कीमत करीब 27,23,000 रुपए हो गई है। वहीं जर्मनी में मॉडल 3 की कीमत 36,45,000 रुपए से शुरू हो रही है, जो कि पहले करीब 38,23,000 रुपए थी। कंपनी ने यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका जैसे बाजारों में भी कारों की कीमत में कटौती की है। इसके अलावा अमेरिका में मॉडल Y, X और S जैसी कारें करीब 1,66,000 रुपए तक सस्ती हो गई हैं। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो टेस्ला ही बीते साल का लीडर रहा है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि ये पोजीशन बहुत लंबे समय तक बरकरार रख पाना टेस्ला के लिए एक बड़ी चुनौती है। ट्रेंडफोर्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 में टेस्ला का ग्लोबल मार्केट शेयर 19.9% था। वहीं टेस्ला के सबसे निकटतम प्रतिद्वंदी BYD की हिस्सेदारी इस दौरान 17.1% रही। इन दोनों आंकड़ों में इतना कम अंतर है कि ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में BYD टेस्ला को पछाड़ सकती है। पिछले साल की आखिरी तिमाही में चीनी कंपनी BYD आगे थी। इलेक्ट्रिक वाहनों का शोर भारत में थोड़ी देर से शुरू हुआ। चार्जिंग इंफ्रा, ऊंची कीमत और रेंज एंग्जाइटी के चलते अभी भी इलेक्ट्रिक कारों पर आम भारतीय ग्राहक भरोसा नहीं जता पा रहा है। वहीं ग्लोबल मार्केट की बात करें तो इस मामले में चीन आगे नजर आ रहा है। दुनिया के टॉप 10 इलेक्ट्रिक कार ब्रांड्स में से अकेले चीन की 4 कंपनियां हैं। वहीं जर्मनी की 3, दक्षिण कोरिया की 2 और अमेरिका की केवल 1 कंपनी शामिल है। इसके अलावा चीनी ब्रांड्स हर बाजार में अमेरिकी कंपनी टेस्ला से पहले एंट्री कर अपनी पकड़ मजबूत करने में लगे हैं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।